नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन MK पर। तो एम्स न्यू दिल्ली ने एक बार फिर से BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए फॉर्म्स ओपन कर दिए। तो जो स्टूडेंट ने पहले फॉर्म फिल किया था उन्हें दोबारा से फिल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस बार प्लस टू किया है और फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे किसी भी वजह से, या पहले किसी वजह से फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे, वो सारे स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो नया शेड्यूल आ चुका है, तो हम आपको बताते हैं कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या इसकी लास्ट डेट है, और आपका एंट्रेंस एग्जाम है जो BSc नर्सिंग के लिए और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए वो 28 दिसंबर को होगा। तो 28 दिसंबर को आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो सभी के सभी स्टूडेंट अपनी तैयारी है वो और तेज कर दीजिए, 28 दिसंबर को आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। उसके बाद हम बात करते हैं बेसिक रजिस्ट्रेशन की। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो आपके 9 नवंबर से स्टार्ट होके 20 नवंबर आपकी लास्ट डेट है। तो अभी तक आपने अगर अप्लाई नहीं किया, बेसिक रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है, तो 20 नवंबर तक आप अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फाइनल स्टेटस आपका कि आपका एप्लीकेशन बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ है वो 23 नवंबर को आ जाएगा। और 30 नवंबर तक नवंबर को आपका आ जाएगा कि आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हुआ है नहीं हुआ। उसके बाद आपको 30 नवंबर तक अपना जो फाइनल रजिस्ट्रेशन है, जनरेशन ऑफ कोड है, पेमेंट है, वो सारी चीज़ें कर लेनी है। 30 नवंबर आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। 30 नवंबर तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। 3 दिसंबर को आपका फाइनल स्टेटस आ जाएगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म का कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है। उसके बाद आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो 7 दिसंबर तक आप अपलोड कर सकते हैं। जो रिजेक्ट होंगे एप्लीकेशन फॉर्म, उनको उनकी रीज़न बता दिया जाएगा कि आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड नहीं किया, ये सही तरीके से अपलोड नहीं किया, तो उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं 7 दिसंबर तक। आपकी एडमिट कार्ड है 20 दिसंबर को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और 28 दिसंबर आपकी एग्जामिनेशन की डेट है BSc ऑनर्स नर्सिंग और BSc पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सभी के लिए कि जिन स्टूडेंट ने पहले फॉर्म फिल किया था, पहले आपने फॉर्म फिल कर रखा है तो दोबारा से आपको फॉर्म फिल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी क्लोजिंग डेट है 30 नवंबर है, तो 30 नवंबर तक जो नए स्टूडेंट हैं वो अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लें और फाइनल रजिस्ट्रेशन जनरेशन ऑफ कोड कर लेंगे, 30 नवंबर आपकी लास्ट डेट है। तो ये चीज़ आपका ध्यान रखना है आपको, और 28 दिसंबर को आपका एंट्रेंस एग्जाम है। बाकी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डायरेक्ट लिंक है जो फॉर्म को अप्लाई करने का, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से आप और इस लिंक से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और हमने इसके रिगार्डिंग सैंपल पेपर्स भी शेयर कर रखे हैं आपके, तो हमारी वेबसाइट educationmk.in पे जाके आप वो पेपर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ सैंपल पेपर्स आपको फ्री दिए हुए हैं, कुछ आपके पेड सैंपल पेपर्स जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट educationmk.in से। तो ये सब जानकारी थी आपके लिए इस वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।